सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के इंटरव्यूज के दौरान इंग्लिश में बात करना, इंग्लिश में कम्युनिकेट करना इंटरव्यूज में क्यों जरूरी है? और अगर आप इंग्लिश में नहीं बोल पाते हो, आप फंबल करते हो, आप हकलाते हो या टूटी फूटी भी इंग्लिश बोलते हो या रुक जाते हो या घबरा जाते हो, तो इंटरव्यूअर को लगता है कि आपको नहीं आता, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपको नॉलेज नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? तो आज के वीडियो में मैं इसी बारे में डिस्कशन करूंगी। ये पूरा टॉपिक मेरा इंग्लिश कम्युनिकेशन के बारे में होगा। हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, हमें क्यों जरूरी है इंग्लिश, और इंटरव्यूज में इंग्लिश क्यों जरूरी है, और अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती तो आप इंटरव्यू में कैसे राउंड क्लियर कर सकते हो, कैसे बच सकते हो, मैं वो ट्रिक बताऊंगी। और ये यूज्ड ट्रिक है, मतलब ये ऑलरेडी मेरे फ्रेंड्स ने यूज करा है तो उनको सक्सेस मिली है। तो चलिए चलते हैं आगे, हम इस वीडियो में बात करते हैं। तो और एक और बात, अगर कोई चैनल पर न्यू है तो लेट मी टेल यू, माय नेम इज मेघना श्रीवास्तव एंड आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बाय प्रोफेशन। तो फिर चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं तीन चीजें डिस्कस करूंगी। पहली चीज ये होगी कि इंग्लिश इंटरव्यूज में क्यों जरूरी है और इसके पीछे क्या रीजन है कि आजकल लोग इंग्लिश में ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं इंटरव्यूज को, ठीक है। सेकंड पार्ट होगा कि हम इंग्लिश कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और क्या क्या ट्रिक्स हैं। और इसका थर्ड पार्ट ये होगा, अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, ठीक है, और आप टूटी फूटी भी बोल रहे हो तो आपको इंटरव्यू भी क्लियर करना है और आपके पास टाइम नहीं है कि आप अपनी इंग्लिश पे काम करो, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो। मैं एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जो मेरे फ्रेंड्स ने यूज किया है और उस ट्रिक से उनका इंटरव्यू पास भी हुआ है, ठीक है। चलो फिर हम सबसे पहले बात करते हैं कि यार इंग्लिश क्यों जरूरी है, क्यों सब लोग इंग्लिश में बात करते हैं, क्यों इंटरव्यूज में इंग्लिश इम्पोर्टेंट इतना प्रेफर किया जाता है, इंग्लिश में आप बात करके दिखाओ। और अगर आप इंग्लिश में नहीं बोलते हो तो ज्यादातर लोग नॉलेज नहीं, इंग्लिश ना बोल पाने के वजह से वो लोग रिजेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। देखो, अब हमारे यहाँ सर्विस बेस्ड, प्रोडक्ट बेस्ड, स्टार्टअप सारी टाइप की कंपनीज होती हैं, ठीक है। अब ज्यादातर यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट चलता है, ठीक। अब सर्विस बेस्ड कंपनीज, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, सर्विस बेस्ड कंपनीज आपके प्रोडक्ट बेस्ड या फॉरेन सर्विस बेस्ड कंपनीज को सर्विसेज देती है, ठीक है। अब ये सारी कंपनीज में, जो इंडिया में जितनी भी कंपनीज है, उनका रेवेन्यू ज्यादातर फॉरेन से आता है, ठीक है, क्योंकि उनके जो क्लाइंट है वो ज्यादातर आउट ऑफ इंडिया है। अब आपका इंटरनेशनल लैंग्वेज जो है इंग्लिश है, ठीक है, जो कॉमन इंटरनेशनल लैंग्वेज है जिसके बेसिस पे सारे क्लाइंट, सारे लोग कम्युनिकेट करते हैं, वो इंग्लिश है, ठीक है। अब जो कंपनीज हमारी इंडिया में बैठे हुए हैं, मतलब जो एम्प्लॉयज हमारी इंडियन कंपनीज में बैठे हुए हैं, वो क्लाइंट से कैसे कम्युनिकेट करते हैं, इंग्लिश में, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे इंग्लिश ही जरूरी है क्योंकि यार मान लो कि वो इंडिया के बाहर है, उनको कोई और लैंग्वेज आती है, मान लो जापानीज आती है, ठीक है, लेकिन अगर उनको भी इंग्लिश नहीं आती तो वो हमसे बात नहीं कर पाएंगे, बिकॉज वी डोंट नो जापानीज, राइट। तो इसीलिए अगर उनको भी हमसे बात करनी है तो वो इंग्लिश में बात करेंगे। तो इसलिए इंग्लिश से मतलब एक कॉमन लैंग्वेज, इंटरनेशनल लैंग्वेज है जो हर जगह यूज होती है। आप कहीं बाहर घूमने भी जाओ तो भी आप अगर किसी से बात करोगे तो आप इंग्लिश में बात करोगे, क्योंकि अगर उस बंदे को इंग्लिश आती तभी वो आपकी बात समझ पाएगा, लेकिन आप कॉमन लैंग्वेज जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज है वो तो बोलने नहीं लग जाओगे, ठीक है। तो एक यही है कि अगर आपको फॉरेन क्लाइंट से बात करनी है तो वो इंग्लिश में होगी, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। अब सेकंड पॉइंट ये है कि मान लो आपको इंग्लिश नहीं आती, फिर भी हमने आपको रख लिया क्योंकि आपकी नॉलेज बहुत अच्छी है, ठीक है। आपकी नॉलेज इतनी अच्छी है कि यार जिस बंदे को इंग्लिश आती है उसकी उतनी नॉलेज अच्छी नहीं, ठीक है, हमने रख लिया, लेकिन आप इंग्लिश बिल्कुल नहीं बोल पाते हो। अब आप एक बात बताओ कि अगर आपको रिक्वायरमेंट्स हमने दिया कि हमारी ये रिक्वायरमेंट्स है, आप इस पे काम कर लो, मान लो किसी अमेरिकन बंदे ने जिसको इंग्लिश आती है या ब्रिटिशर्स जो भी है, तो उसने आपसे बात की कि यार मुझे ना ऐसे ऐसे चाहिए, अब उसने इंग्लिश में आपसे कहा, लेकिन आप तो उनके रिक्वायरमेंट्स समझ नहीं पाए ना, आपने मान लो किसी तरह नोट डाउन करे, लेकिन आप बारीक की जो डिटेल्स होती है वो सब तो मिस कर जाओगे, ठीक है। तो जब आप उनकी बातें समझ नहीं पाओगे तो आप उनका काम कैसे करोगे, आप डिटेल्स ही मिस कर जाओगे, है ना, ठीक है। ये सेकंड पॉइंट का थर्ड पॉइंट ये कि आपने मान लो कोई चीज, कोई फीचर इम्प्लीमेंट किया, कोई ऐसी चीज डेवलप करी, लेकिन आप क्लाइंट को समझा नहीं पा रहे हो, ठीक है, आप अपनी बात ही नहीं कह पा रहे हो कि ये चीज मैंने क्यों करी, ये कैसे करी, इसका क्या इम्पैक्ट है, इसके क्या बेनिफिट्स है, और मैंने इसे ऐसे करा था, ये ऐसे नहीं, ऐसे हो रहा था, मैंने इसका दूसरा अप्रोच लगाया था, तो कैसे बात करोगे आप यार, अगर आप बात ही नहीं कर पाओगे, आप अपनी बात कह नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे, तो कैसे काम करोगे। तो यहाँ पे काम करना तो सेकंड आता है, फर्स्ट यहाँ पे आप पहले बात समझोगे ना क्या है। वैसे भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आप पहले रिक्वायरमेंट्स को एनालाइज करते हो, ठीक है, आप पहले रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हो, ठीक है, जो भी हमें जरूरत है, जो हमें काम करना है, फिर आप उसको एनालाइज करते हो कि अच्छा ऐसे नहीं ऐसे होगा, हम इसे ऐसे क्या करेंगे, हम प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे, सोल्यूशन डिस्कस
डिस्कस करेंगे। तो ऐसे चलता है, अगर मैं बहुत ही सिंपल सी प्रॉब्लम ऐसे तुम्हें बोलूं कि मान लो कोच शेफ, मान लो ऑनलाइन असेसमेंट आपने दिया माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है, अब यार वो तो वो लोग इंग्लिश में ही क्वेश्चंस पूछेंगे, ठीक है, पूरा स्टोरी टाइप उनका क्वेश्चन होता है ना। अब लेकिन आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को कैसे समझोगे? मान लो आपने किसी तरीके से ट्रिक्स लगा के आपने टेस्ट केसेस को पढ़ा, समझा, किसी तरीके से आपने मुश्किल से कर भी लिया, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में तो ऐसा नहीं चलेगा ना, आपको इंग्लिश ही नहीं समझ में आ रही। और मान लो कि आप इंग्लिश बोल पा रहे हो, समझ पा रहे हो, ठीक है, लेकिन इंटरव्यू में मान लो अगर इंटरव्यूअर आपका कोई यूएस का बंदा है, ठीक है, आपने रिमोट जॉब कोई पकड़ ली और यार यूएस के बंदे ने आपसे इंटरव्यू लिया, तो आप इंटरव्यू कैसे दोगे यार? वो तो इतनी, अब वहां पे तो आप हिंदी में नहीं चेंज कर सकते ना। तो इसीलिए यार इंग्लिश बहुत जरूरी है, आप इंग्लिश सीखो, ठीक है। ये बता दिया ना मैंने इंग्लिश क्यों जरूरी है, अब इंग्लिश कैसे इंप्रूव कर सकते हैं ये सुनो। देखो जब मैं बहुत छोटी थी, मतलब आईसीएससी से मैं हूँ, ठीक है, तो आईसीएससी वगैरह में इंग्लिश को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। तो मेरे स्कूल में ना जब मैं फर्स्ट या सेकेंड में थी तो मेरी इंग्लिश की मैम थी, उन्होंने हम लोग को इंग्लिश सीखने की एक ट्रिक बताई थी। उन्होंने बोला कि जाओ आप मिरर होगा आपके पास, ठीक है, आप मिरर के सामने खड़े हो जाओ, अपने से बातें करो, खुद से आप बात करो। और बात कैसे करो, आप पूछो कि ओके माय नेम इज मेघना श्रीवास्तव एंड आई एम दिस, हाउ आर यू डूइंग, ऐसे करके खुद से बात करो। नहीं पढ़ पा रहे तो आप ना आप मिरर के सामने आप बुक ले लो, वो पढ़ो और खुद को देखो, रीड आउट करो, जोर जोर से बोलो और उस खुद को देखो, ठीक है। फिर आप खुद से बात करो, कोई टॉपिक डिस्कस करो, आज आपने क्या क्या किया, आप मतलब खुद से बात करिए, बात कुछ भी हो सकती है, ठीक है, कुछ भी बोलो। और कोई आपको देख नहीं रहा, आप खुद से बात करो, फिर आपको समझ में आएगा कि आप खुद ही आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हो, आप कहाँ इंप्रूव कर सकते हो। और ऐसा आपको रोज करना है, ठीक है, ये तो एकदम बेसिक चीज हो गई। सेकेंड ट्रिक ये होती है कि आप बोलना स्टार्ट करो। देखो इंग्लिश ऐसी चीज है ना, जब तक आप बोलोगे नहीं, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक वो नहीं आने वाली, ठीक है। इंग्लिश एकदम से नहीं आती, आपको प्रैक्टिस में लाना होगा, बिना बोले यार आप नहीं बोल पाओगे, बिना बोले काम होएगा ही नहीं, ठीक है। तो पहले ना बोलना स्टार्ट करो, घर पे बोलो यार, शर्माओ मत। अगर देखो शर्माओगे तो काम खराब हो जाएगा, सब खत्म, या तो शर्मा लो या तो काम कर लो, दोनों में से एक ही काम हो सकता है। तो बोलो, बेशरम बन जाओ, बोलो, टूटी फूटी बोलो, लोग हंसेंगे, चार लोग हंसेंगे, चार लोग बातें करेंगे, लेकिन उससे आपका बैंक बैलेंस नहीं बढ़ने वाला, ठीक है। चार लोग हंसेंगे, चार लोग बोलेंगे, बातें सुनाएंगे, रुलाएंगे, क्या होगा यार, कुछ नहीं होगा यार। लोगों देखो, लोगों के बोलने से किसी का बैंक बैलेंस ना कम होगा ना बढ़ जाएगा, तो बोलने दो यार। दुनिया में अजीब तरीके के लोग हैं, हजार लोग हैं, ठीक है, तो हर किसी की थिंकिंग अलग है, वो बोलेंगे और आपका काम है सुनना और हटा देना, ठीक है, इग्नोर करो, आपको बस खुद पे काम करना है, ठीक है। तो ज्यादा मोटिवेशन नहीं, बस इतना ही कहूंगी, आप खुद पे काम करो, ठीक है। ये होगी सेकंड ट्रिक कि आपको बोलना है, किसी भी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। मिरर वाला अलग है, फर्स्ट सेकंड आपको बोलना है। अब थर्ड की, अगर आप मान लो बिंज वॉच करते हो, मान लो आप सीरीज वगैरह देखते हो बहुत ज्यादा, ठीक है, क्योंकि मैं अपना एग्जांपल बता रही हूं कि मैं सीरीज देखती हूं ना तो मैं इंग्लिश में ही देखती हूं, मैं ये बहुत पहले से देख रही हूं, क्योंकि मुझे क्या होता है, मुझे उनकी ओरिजिनल लैंग्वेज सुननी, क्योंकि जो डबिंग होती है उसमें उनका एक्सेंट और आवाज भी बदल जाती है। तो मेरा ये होता है नहीं, मुझे इंग्लिश में ही सुनना है, और मुझे इंग्लिश में सुनना अच्छा लगता था, क्योंकि जिस तरीके से वो लोग बोलते हैं, मतलब ना वो जो एक्सेंट होता है वो मुझे बहुत प्यारा लगता है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो मैं हमेशा इंग्लिश में ही सीरीज वगैरह देखती हूँ। तो या जब आप देखते हो ना, तो अनइंटेंशनली जब आप बहुत लंबे टाइम से इंग्लिश में कुछ चीजें देख रहे हो, सुन रहे हो लोगों को, तो आप अनइंटेंशनली ना आपका ब्रेन उसी वे में कॉपी करना शुरू कर देता है। तो आपको ना देखना है, ठीक, अगर आपके पास बहुत टाइम है, आप इम्प्रूव कर सकते हो, आप फ्री बैठे हो तो और सीरीज देखते हो तो बैठे बैठे कुछ सीख भी लो ना, ठीक है। आप सब टाइटल्स के साथ देखो, एक टाइम को लगेगा कि यार मैं सब टाइटल्स ही देख रहा हूँ, मैं फिर मूवी नहीं देख पा रहा, लेकिन यार मैं बता रही हूँ यार, हर चीज टाइम के साथ इम्प्रूव हो जाती है। एक टाइम पे आप सब टाइटल्स भी नहीं देखोगे, और हमारा ब्रेन इतना ज्यादा चलाक है, वो सब टाइटल्स देखेगा, वो फॉरन फॉरन सीन भी देख लेगा, सब देख लेगा और सिंक भी कर लेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब सब टाइटल देख रहे हो और कब सीन देख रहे हो। एक टाइम पे तो ऐसा होता है, कभी कभी मैं सब टाइटल ही पढ़ती रह जाती हूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है, मैं सीन नहीं देख पाती, लेकिन मैंने सीखा है यार, मैंने देखा ऐसे ही, ठीक है। ये थर्ड हो गई कि आप मूवीज वगैरह इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। फोर्थ पॉइंट हो गया कि अब आपको मान लो मूवी नहीं देखनी, आप मूवीज वाले बंदे नहीं हो, लेकिन आप यूट्यूब तो यूज करते हो, आप टेड टॉक्स ढूंढो, TED, टेड टॉक्स, ठीक है। उसमें आप प्रेजेंटेशन टाइप वीडियोस निकालो, कोई भी ऐसे टाइप के वीडियोस निकालो जिसको सुन के आपको मोटिवेशन मिले। आप टेक्नोलॉजी टाइप के वीडियोस निकालो, जो टेक्नोलॉजी वाले बंदे होते हैं, जो यूएस वगैरह के होते हैं, यूएस वगैरह के टेड टॉक्स निकालो, वो लोग जैसे बोलते हैं, जिस तरीके से वो लोग पूरा ना पूरा एक्सप्रेशन वाला बोलते हैं, ठीक है, आप वो सुनो, आप देखो, आप काफी सारी चीजें सीखोगे यार। देखो हम ना ह्यूमंस हैं, हम सुपीरियर ब्रीड हैं, हम जानवर तो है नहीं, हमारे पास बहुत सारी पावर्स हैं, बस हमें उसे यूज करना है। यूज करना नहीं आता क्योंकि सारी चीजें बैठ चुकी हैं। अब मैं ट्रिक की बात करती हूँ कि आप
कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, अगर मान लो आपके पास टाइम नहीं इम्प्रूव करने का, तो अब क्या करो? अब आपको किसी तरीके से इंटरव्यू निकालना है, आप ये सोचो कि यार मुझे इंग्लिश नहीं आती तो क्या मुझे एक बार चांस मिलना चाहिए, मैं एक बार अगर इंटरव्यू निकाल लूंगा तो मैं जॉब में रहते रहते भी इंग्लिश सीख जाऊंगा और सब कर लूंगा। और लोग करते हैं काम, ऐसा नहीं है कि किसी को इंग्लिश नहीं आती, कोई गाँव का बंदा अगर कंपनी में उसको इंग्लिश नहीं आती लेकिन वो काम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि काफी सारे इंटरव्यूज ऐसे भी होते हैं कि यार जो आपको नॉलेज के बेसिस पे हायर करते हैं, और ऑब्वियसली नॉलेज के बेसिस पे ही हायर करते हैं, ठीक है, और कुछ कुछ इंटरव्यूज वो लक पे डिपेंड करता है, तो हम यहाँ पे ये सब बात नहीं करेंगे। अब मैं ट्रिक बताती हूँ। ट्रिक ये है कि आप ना जो इंटरव्यू के जो क्वेश्चंस होते हैं वो आप गूगल से निकालो, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं कि टेल मी अबाउट योर सेल्फ, व्हाट वर योर प्रोजेक्ट्स, एंड टेल मी मोर अबाउट योर प्रोजेक्ट्स, एंड व्हाट आर योर वीकनेसेस, ये सारी चीजें आप गूगल से निकालो। चार पांच क्वेश्चन ही है, उसके आप आंसर्स खुद से या तो किसी और से लिखवा लो या तो खुद से लिख लो और फिर उसे याद कर लो, ठीक है। ये तीन चार क्वेश्चन आप याद कर लो, तो आपको लगेगा कि चलो कुछ नहीं तो मैं इतना तो बोल ही लूंगा। अगर देखो सबसे पहला काम इंट्रोडक्शन का होता है, ठीक है, आप इंट्रोडक्शन वो भले ही पूछे या ना पूछे आप खुद का बता दो, ठीक है। अगर मान लो टेल मी अबाउट योर सेल्फ ये कुछ स्टार्ट किया तो आपको इसका आंसर पता है ना, आप ये बोल लोगे, ठीक है, तो आप इसका आंसर दो अच्छे से। अब कोई ऐसी टेक्निकल चीज़ आ गई और वो इंग्लिश में पूछ रहा है आपसे और आपको लग रहा है कि यार नहीं, आप ना टूटी फूटी इंग्लिश बोलना स्टार्ट करो, ठीक है, स्टार्ट करो इंग्लिश में, फिर आपको लग रहा है कि नहीं यार अब मैं नहीं समझा पा रहा हूँ और फिर इंटरव्यू मेरा ये ख़राब हो जाएगा, और इंटरव्यू को कैसे पता चलेगा इंटरव्यूअर को कि मुझे ये चीज़ आती है, आप फ़ौरन स्विच कर जाओ हिंदी में। लेकिन यहाँ पे एक कैच है, अगर आप स्विच कर रहे हो हिंदी में तो आपको ऐसा स्विच करना है कि उस बंदे की नज़र आपकी इंग्लिश से ज़्यादा आपकी नॉलेज पे हो, उसको ये लगना चाहिए कि यार इसको तो मुझसे भी ज़्यादा आता है, उसको आप पूरा हैरान कर दो कि यार इसकी तो नॉलेज बहुत ज़्यादा है। अब देखो यहाँ पे आपकी स्किल्स काम आई ना। अब देखो मान लो कि जावा का इंटरव्यू चल रहा है, मैं अपने एक फ्रेंड का इंटरव्यू बताती हूँ, उसके साथ क्या हुआ कि उसको भी थोड़ी इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम होती, आता सब है उसे, लेकिन ना उसको लगता है कि वो ब्रेन में अपने हिंदी में बोलेगा फिर उसके बाद वो ट्रांसलेट कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, आप कभी भी ट्रांसलेट नहीं करते हो, आपका ब्रेन अपने आप इंग्लिश में बोलता है, ठीक है। तो मैंने उसको बोला था कि यार अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम नहीं बोल पाओगे इंग्लिश में और तुम्हारी तुम कैसे कम्युनिकेट करो, तो फौरन हिंदी में स्विच कर जाओ और फिर हिंदी में ऐसा समझाओ कि सामने वाला एकदम उसका पागल हो जाए वो, ठीक है। तो उसको क्वेश्चन दिया था स्विमिंग पूल का, ठीक है, तो उसने बताया कि पहले उसने इंग्लिश में स्टार्ट करा, फिर उसने हिंदी में जो स्विच करा, फिर उसने स्विच कर दिया यार अब नहीं हो पाएगा, अब फिर हिंदी में उसने ऐसा स्विमिंग पूल समझाया, और स्विमिंग पूल समझाते समझाते उसने दो तीन चीज़ें उसके आसपास के ऐसे समझा दी कि इंटरव्यूअर बहुत खुश हो गया यार, बहुत ज़्यादा, मतलब वो जो पॉइंट था वो टर्निंग पॉइंट था। तो ये ऐसे आप ये ट्रिक है, तो उसके लिए आपको स्किल्स पे भी काम करना पड़ेगा। तो और एक और चीज़ बताऊँ, हर चीज़ ना दिमाग से है, मैं अपना बताती हूँ, अगर मैं कॉन्फिडेंट हूँ अपने काम में तो मेरी इंग्लिश बहुत ज़्यादा फ्लुएंट निकलती है, लेकिन अगर मैं डर रही हूँ, घबरा रही हूँ और मैं सोच रही हूँ कि यार सामने वाला क्या सोचेगा मेरे बारे में यार कि मैं कैसे बोल रही हूँ, पता नहीं उसको समझ में आएगा नहीं, तो यार इंग्लिश नहीं निकलती, कभी नहीं निकलती। हमेशा मैंने देखा जब भी मैं क्लाइंट कॉल्स होती है, स्क्रम कॉल्स होती हैं, तो क्या होता है अगर मैं ये सोच के बोल रही हूँ कि यार वो लोग क्या सोचेंगे तो मेरी इंग्लिश कभी नहीं निकल पाती, और अगर मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि बस मुझे बताना है, मुझे सबको बताना है, मैंने काम किया है, तो मैं अच्छे से इंग्लिश बोल पाती हूँ, बहुत ही फ्लुएंट। तो आपको ना ब्रेन ना एक ही चीज़ पर फोकस कर सकता है, ब्रेन मल्टीटास्कर नहीं है, लेकिन अगर जब वो एक चीज़ पर फोकस करेगा तो आपका बहुत अच्छे से उसका रिजल्ट आएगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आपको कैसे खुद से काम करवाना है। हम ह्यूमंस हैं, हम बहुत ही सुपीरियर ब्रीड है, हम जानवर नहीं है, हम सबके पास स्किल्स हैं, अपनी यूज करो और प्रॉपरली काम करो। देखो जिसके पास लाइफ में कोई गोल नहीं होता ना वही फालतू बातें करता है, तो अगर आपके पास लाइफ में गोल है तो यार उस गोल को सेट करो और उस पर काम करना शुरू कर दो। क्योंकि देखो बहुत सारे ऐप्स आते जाएंगे, आप उनमें आप उसे यूज करोगे, टाइम वेस्ट करोगे, लेकिन कुछ ऐसा करो यार कि तुम्हारे लिए बेनिफिट हो, गोल सेट करो यार, जिंदगी बहुत ज्यादा कीमती है, इसको यूज करो, अपनी लाइफ को अच्छी बनाओ, और जब तक मौका है तब तक मेहनत करते रहो। क्यों नहीं करोगे मेहनत, जरूर करोगे मेहनत, करो मेहनत। और कोई भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही लोग अच्छे हैं जिनके पास लक है, किसी का लक काम नहीं आता अगर आप मेहनत कर रहे हो, मेहनत प्लस लक होता है, मेहनत लक विदाउट मेहनत नहीं होता, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा हो गया मोटिवेशन, तो अगर कोई और भी क्वेश्चन है छोटे मोटे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालना, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी, वैसे भी मैं रिप्लाई करती हूँ, और डालना कमेंट सेक्शन में। लेकिन ये वीडियो मुझे लग रहा है अगर आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगी तो मुझे ये भी बताना कि यार इन्फॉर्मेटिव थी, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले। बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है अगर आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो, तो मुझे बताना क्या चीज़ अच्छा था, क्या चीज़ बुरा था और कहाँ पर इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। बाय बाय।